शासन प्रशासन के आदेशानुसार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु वाले छात्र छात्राओं का कोविड टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व एसडीएम विपुल गुप्ता व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर व टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बंजारे बीएमओ पाटन डॉक्टर आशीष शर्मा के निर्देश में चरोदा में 3 स्कूलों में 1035 हितग्राहियों का लक्ष्य दिया गया था। स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भिलाई 3 में 390 छात्र छात्राओं को टीकाकरण लगाया गया। वहीं 117 कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में टीकाकरण किया गया। उच्चतर माध्यमिक शाला देव बलोदा में 157 छात्रों को टीकाकरण किया गया, साथ ही AEFI किट रखा गया, निगरानी कक्ष यहां पर बनाया गया है। 15 से 18 साल के आयु वर्ग के जितने भी छात्र छात्राएं हैं आज स्कूलों में टीकाकरण शासन प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए, जिसमें आज से प्रारंभ किया गया है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिलाई 3 में 600 बच्चों का लक्ष्य मिला है। उच्चतर माध्यमिक शाला देवलोदा में 186 बच्चों का और 208 आपका उच्चतर माध्यमिक शाला चरोदा में मिला है। यहाँ पे सर्वाधिक लक्ष्य था भिलाई 3 में। हमने 9 वैक्सीनेटर लगाए हैं और हमारी टीम में सभी सिस्टर लोग अच्छे से वैक्सीनेशन कर रहे हैं और लगभग 400 के ऊपर हमने यहाँ पे अभी छात्रों को टीका लगा दिया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की है ताकि किसी को विपरीत टीकाकरण का प्रभाव हो किसी बात से छात्र छात्राओं को, तो तुरंत उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा सके। निगरानी कक्ष बना के रखा हुआ है, वहाँ पे ORS का पैकेट है, EFI मैनेजमेंट की किट रखी हुई है और एक टीचर और एक स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी वहाँ पे मौजूद है जो उनके लिए निगरानी करेगा। और पंजीयन कक्ष बनाया जहाँ बच्चों को सुविधा अनुसार उनका पंजीयन करके तुरंत सर्टिफिकेट भी लोड किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत छात्रों को नहीं हो रही है। छात्र इसमें बहुत उत्साहित हैं और बहुत भीड़ से सवेरे से आ गए थे कि हमको लगाना है। एक संदेश दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अभी तक एक भी टीका नहीं लगाया है। ओमिक्रॉन फिर से प्रदेश में और देश में प्रभावशील हो रहा है, उसके लिए उन लोगों के लिए ये छात्र और छात्राएं एक विशेष रूप से अपने इस अभियान में उत्साह दिखा के बतलाना चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार का डर नहीं है टीका लगाने से। उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और देश हित में जनहित में इस महामारी को बचाव और रोकथाम में अपना टीका लगाना चाहिए। इसी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो कलेक्टर साहब ने ब्रीफ किया था और ADM मैडम नुपुर पन्ना मैडम ने भी ब्रीफ किया था और SDM विपुल गुप्ता सर पाटन ने भी हम लोगों को एक वर्चुअल मीटिंग लेके बतलाया था कि निजी स्कूल के जो भी छात्र छात्राएं कम संख्या है चूँकि उनके पास कक्षा 10वीं के कक्षा 11वीं या 12वीं के, तो ऐसे बच्चे यहाँ आएंगे, हम उनको भी वैक्सीनेशन करेंगे उनके आधार कार्ड ID स्कूल ID लेके। और उसके बाद जो बड़ी स्कूलें हैं उनके लिए शासन खुद प्लान बना रही है, जैसे ज्योति स्कूल में कम से कम 614 में बच्चे हैं तो शासन वहाँ के लिए खुद प्लान कर रही है और वहाँ पे अभिभावकों की अनुमति भी मिल जाएगी, यहाँ पे भी ली गई है, सारे अभिभावकों ने दी है, बहुत सारे बच्चे खुद तैयार हैं, तो निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एक दो दिन के अंदर में शासन से जो मार्गदर्शन मिलेगा वहाँ पे भी लगाएंगे। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है बच्चे वो स्कूल में ना जाके हम इस अभियान में भिलाई 3 स्वास्थ्य केंद्र के समस्त पदाधिकारी सहित डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना सहयोग प्रदान किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।